धनबाद शहर के धैया भाजपा कार्यालय में भाजपा नेता सह पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा नेता ने कांग्रेस और झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि धनबाद में भाजपा प्रत्याशी टुलू महतो की जीत सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार जनता के आशीर्वाद से बनेंगे। वहीं हाल ही के दिनों में मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के पास करोड़ों रुपए मिला था। झारखंड सरकार राज्य के विकास ना कर खुद का विकास कर रही है। भ्रष्टाचार राज्य में हावी है। डबल इंजन की सरकार में राज्य में विकास हो रहा था, जबकि अभी विकास रुक गया है। कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज UNI। यहाँ पे हम लोगों के जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ, मोदी जी और ढुल्लू महतो जी के खिलाफ कांग्रेस का एक प्रतिद्वंदी है। मूलतः वो प्रतिद्वंदी नहीं है, क्योंकि कहीं भी दूर दूर तक वो टिक नहीं रहा है। कारण ये है कि कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नीति है, न नीयत है। नेतृत्व विहीन कांग्रेस का लगातार क्षय होता चला जा रहा है और कांग्रेस अब अपने अंतिम पड़ाव पे जाकर के अंतिम सांसें लेने के कगार पे है। जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, झारखंड आज से इस सरकार के पहले जब यहाँ डबल इंजन की सरकार थी तो लगातार केवल और केवल चारों तरफ विकास हो रहा था, और जब से ही सरकार बीजेपी की हटी है और कांग्रेस और JMM की आई है, केवल और केवल भ्रष्टाचार का आलम रहा है। भ्रष्टाचार का आलम इस कदर रहा है कि आप उसके देख सकते हैं कि कैसे करोड़ों करोड़ रुपए इनके पीए के नौकर के पास मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनके पास कितना बड़ा पहाड़ होगा। हम लोग को लगता है जो आउटसोर्सिंग वाला पहाड़ है उतना रुपया इनके एक एक मंत्री के पास होगा, अगर उस तरीके से निकल रहा है तो जो आप देख रहे हैं। ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से पूरे झारखंड के विकास को ये अपने विकास में कन्वर्ट कर लिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को ये आग्रह करता हूं कि आप एक सशक्त नेतृत्व के अधीन सशक्त डेवलपमेंट के लिए और अच्छे डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत बनाएं।